मंदसौर जिले के शामगढ़ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा माकड़ी माताजी के नाम से माता का दरबार है, जो अति प्राचीन होने के साथ साथ ही चमत्कारी स्थान भी है। इस स्थान पर एक कुंड बना हुआ है और इस कुंड में काफी पानी रहता है और इस कुंड की खासियत यह है कि इससे पानी से त्वचा रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। यदि रोगी इसके पानी को लगाता है और लगातार लगाने पर और पीने से भी कई रोग दूर होते हैं। यह प्राचीन मंदिर की माता की मूर्ति एक गुफा के अंदर विराजित थी और भक्तों को सपने आने के बाद मंदिर बनाकर विराजित किया गया। वैसे तो शीतला माता का मंदिर बताया जाता है, मगर नवरात्र में 9 दिनों तक इस मंदिर में भक्तों की काफ़ी तादाद में भीड़ रहती है, मगर COVID-19 के कारण इस वर्ष भक्तों की भीड़ में काफ़ी कमी आई है, जिसके कारण मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते दिखाई दिए हैं। यहाँ मैं दर्शन करने शामगढ़ से 10 किलोमीटर दूर से खजूरी पंथ से आया हूँ और नवरात्रि चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर भक्तों की बहुत कम भीड़ है। और दूसरा यहाँ पर विशेषता यह है कि यहाँ मंदिर में विशेषता यहाँ पर जो कुआ बना हुआ पीछे इसमें इस पानी की है। यहाँ एक तो पानी कभी ख़त्म नहीं होता है और इससे लोगों की बीमारियाँ दूर होती है, स्किन की रोग हो गए, कोई भी अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ का पानी पीने से भी अंदर की प्रॉब्लम दूर होती है। ये कृपा है मातेश्वरी की और इसी वजह से ये प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर चंगाल में। पंडित जी, यहाँ के मंदिर की क्या विशेषता है? अरे मंदिर की तो माँ भगवती की लीला है, अच्छा अच्छा लखौड़ा होता है और नीचा कुंड है माता जी को, यानी दिवाली के पर्व में घी को फूल भरे हुए थे और मतलब वहीं पानी थी, मतलब माता जी के यहाँ जो चाहिए 6 मिनट बारिश की लीला है। आज के जो लखौ भगवान में हापड़ेगा माता जी का दर्शन कराने में पता चला। पहले माता जी कहाँ बैठी हुई थी? पहले माता जी अरे नल मंदिर ही है, मोटा मंदिर ही है, माता जी विराजमान थे और वहाँ से एक बाइक पूजा करती थी उनके माता में लागी हुई थी, तो यह माता श्री प्रभु राम को बाहर नहीं मिल जाएगा तो मैं पूजा करवाऊँ तो नहीं आऊँ। यह माता श्री शीतला माता का स्थान तो देखिए अब्बार वर्तमान में शीतला माता का स्थान। क्या नाम है? प्यार न्यूज़ के लिए भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।